हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुनील खान और आप देख रहे हैं रेनो काइगर, जो उसका न्यू वेरिएंट आया है जेड ब्लैक में। पहले इसका मतलब न्यू फीचर नहीं आए थे, इसके अब इसके अंदर न्यू फीचर आ गए हैं कुछ, पहले से एक्स्ट्रा फीचर मतलब दे दिए हैं। जेड ब्लैक आ गया है और कुछ मतलब फेसलिफ्ट तो नहीं है, वही पुराना मॉडल है इसका सेम, बस इसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं दी हैं आपको, कुछ चीज़ें वही हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें मिल गई हैं, जैसे एयर बैग बढ़ गए हैं, वो आपको मैं अदर डिटेल में वीडियो में बताता हूँ, थोड़ा आप वीडियो आगे देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं, ये मिल जाती है इसकी की, यहाँ से इसकी की मिल जाती है, जो पास जाते हैं तो आपको खुल जाती है और बाहर पीछे आते हैं तो उसकी ये लॉक हो जाती है। तो चलते हैं इसके आगे। फर्स्टली यहाँ से आते हैं तो यहाँ पर आपको ये इंडिकेटर मिल जाता है ब्लिंक वाला, और यहाँ पर मिल जाती है आपको DRL, जिस तरीके से DRL मिल जाती है आपको, और यहाँ पे आते हैं तो इसकी आपको LED हेडलाइट मिल जाती है, जिस तरीके से LED हेडलाइट मिल जाती है जिस तरीके से इसकी आपको, और बीच में बात करते हैं तो यहाँ आपको ग्रे मिल जाती है, क्रोम ग्रेर मिल जाती है कुछ इस तरीके से, मैट फिनिश में क्रोम ग्रेर मिल जाती है आपको यहाँ पर। यहाँ पर काय करने को बैजिंग में यहाँ पर नंबर प्लेट मिल जाती है, नीचे स्क्लिप प्लेट मिल जाती है ब्लैक में, मतलब स्क्लिप प्लेट इसकी वाइट वैसे सिल्वर नहीं आती इसकी। और बात करते हैं साइड से, तो साइड में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है, नीचे आपको LED हेडलाइट मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सामने से, तो यहाँ आपको एक वॉशर मिल जाता है, दो वाइपर मिल जाते हैं, और साइड से बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 16 इंच के टायर मिल जाते हैं डायमंड कटर लेवल के साथ, C8 के टायर मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, मैं आपको इसके दिखा देता हूँ, 195/60R16 के 16 इंच के टायर मिल जाते हैं इसके अंदर डायमंड कटर लेवल के साथ, टू डिस्क ब्रेक, दो टंप ब्रेक के साथ, और C8 के टायर मिल जाता है आपको यहाँ पर। यहाँ पर आपको इतनी स्पेस मिल जाती है कुछ इस तरीके से, यह बॉडी कलर के लिए दी गई कोटिंग ताकि स्क्रैच ना लगे। यहाँ मिरर पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं यहाँ पर आपको, जो लॉक होने पे ऐसे ही रहते हैं। यहाँ से बात करते हैं तो इसका यहाँ पर इसको इंडिकेटर्स को हटा के यहाँ पर कुछ नया लुक दे दिया गया है, दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर आपको ये मैंने आपको बता दिया मिल जाते हैं, मिरर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको रूफ मिल जाती है, इस पीछे आपको स्पॉयलर मिल जाता है, सामने से कुछ इस तरीके से लुक आती है इसकी, देख सकते हैं आप। यहाँ पर सेंसर नहीं दिया गया, यहाँ पर चीज़ की किया टोल ऐसी होता है तो आगे ले जाते हैं तो बंद हो जाती है, आगे जाए तो खुल जाती है, पीछे जाए तो बंद हो जाती है। अब बात करते हैं इसके पीछे से, तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है कुछ इस तरीके से, रूम मिल जाती है सिल्वर कलर की। अब बात करते हैं इसके डोर, यहाँ पर डोर, तो यहाँ पर आपको एक पावर विंडो मिल जाती है, एक शेड मिल जाता है कुछ इस तरीके से सिल्वर कलर के, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से न्यू लुक मिल जाता है ये कुछ इस तरीके से, वो आपको मैं आगे से दिखाऊंगा पूरा कैसा लुक मिल जाता है, एक बार मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। इसमें 4 एयरबैग मिल जाते हैं आपको पीछे से कुछ इस तरीके से लुक आ जाता है इसका, अंदर से बैठ के देखते हैं तो अंदर से आराम से बैठ के जा सकता है। यहाँ पर लाइट मिल जाती है आपको, यहाँ पर 4 एयरबैग मिल जाते हैं, दो आगे मिल जाते हैं, दो पीछे मिल जाते हैं आपको एयरबैग, और यहाँ पे पकड़ने का मिल जाता है पूछे तरीके से, एक यहाँ मिल जाता है आपको पकड़ने का, यहाँ पे आपको ये सीट का मिल जाता है रखने का अलग से, मतलब नहीं मिलता इसके अंदर, ये सीट बेल्ट का मिल जाता है, नीचे चार्जिंग का मिल जाता है आपको, ये चार्जिंग का मिल जाता है, ऊपर AC वेंट मिल जाते हैं कुछ तरीके से। चलते हैं इसके पीछे देखते हैं पीछे आपको क्या क्या मिल जाता है, बूट डिस्कस की तरफ तरीके से लोग मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्पॉयलर मिल जाता है, साथ में एंटीना आपको मैंने दिखा दिया, ये लाइट मिल जाती है, यहाँ पर आपको मेरे पीछे का बैक मिल जाता है आपको, यहाँ पर वाइपर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था कुछ यहाँ पे चढ़ने की बैजिंग मिल जाती है कुछ इस तरीके से, ऊपर आपको लाइटिंग यहाँ पर वो मिल जाती है, रूफ में बताया था। यहाँ बात करते हैं तो उसकी ये लाइट मिल जाती है, अगर ब्रेक वैसे नॉर्मली पे तो स्ट्रेट DRL पे स्टार्ट रहती है पार्किंग लाइट पे, और वैसे ब्रेक दबाते हैं तो आपको पूरा जलता है ये लोग प्रो लगाता है। यहाँ आपको बैक करने की लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर मिल जाता है बैक टर्न आउट करने का, नेवल्ट की बैजिंग मिल जाती है, बैक कैमरा मिल जाता है आपको यहाँ पे, गायगर की बैजिंग मिल जाती है, नेवल्ट की बैजिंग मिल जाती है आपको इस तरीके से, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं आपको, स्क्लिप प्लेट मिल जाती है आपको, नंबर प्लेट के नीचे आपको लाइट का मिल जाता है, पीछे सेंसर मिल जाता है, 3 सेंसर मिल जाते हैं इसके अंदर, ये एग्जॉस्ट मिल जाता है आपको, ये टायर की प्रोफाइल मिल जाती है कुछ इस तरीके से। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या फीचर नहीं मिल जाते, क्या क्या फीचर नहीं मिलते। ये पेट्रोल टैंक मिल जाता है आपको इस तरीके से,
गाड़ी के अंदर देखते हैं, गाड़ी के अंदर फीचर आपको क्या क्या मिल जाते हैं। तो मैं गाड़ी ऑन अंदर जा रहा हूँ। तो यहाँ से आते हैं तो यहाँ से चार पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं आपको। ये अट्टी उट्टी आवाज़ करा क्योंकि गेट ओपन है, बैटरी के दिखा रहा है, बिलिंग कर रहा है। ये लॉक अनलॉक का मिल जाता है, इससे ग्लॉसी लुक मिल जाता है कुछ इस तरीके से। ये न्यू एडिशन में कलर मिल जाता है आपको इस तरीके से। यहाँ स्पीकर मिल जाता है और एक ट्यूटर का मिल जाता है। अब चलते हैं इसके अंदर। हाई एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर, नहीं मिलता नहीं, हाई एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर, नहीं मिलता इसके अंदर आपको। देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं, चलो इसके अंदर। तो अंदर से इंटीरियर कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर आपको ये कुछ, यहाँ पर आपको बटन नहीं दिए जाते, MID के बटन इसमें नहीं दिए जाते। यहाँ पर आपको स्क्रीन के बटन मिल जाते हैं आपको, जो एप्पल ऑटो कार प्ले के साथ मिल जाती है आपको यहाँ पर। और मोड्स के मिल जाते हैं, मतलब अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं। अभी तो स्क्रीन ऑफ है, आपको मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर आपको नलोल्ट की बैजिंग मिल जाती है कुछ तरीके से, और एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पर आपको। तो इसके अंदर हम आ चुके हैं, तो मैं बात करता हूँ उसकी, मतलब फीचर से क्या क्या फीचर मिल जाता है, यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको MID कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इसमें एप्पल ऑटो कार प्ले आपको सब मिल जाता है, मोड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं और आपको है ना। और एप्पल ऑटो कार प्ले इससे पहले मतलब नहीं आता था, अब इसमें आने लगा है एप्पल ऑटो कार प्ले, न्यू फीचर आ गया है, ये एक फीचर ये ऐड हो गया है इसके अंदर का। दूसरी बात, यहाँ पर आपको डोनाल्ड का बैजिंग मिल जाती है यहाँ पर आपको इस तरीके से। और यहाँ पर आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है आपको, और यहाँ हॉर्न का मिल जाता है, दोनों तरफ हॉर्न का सिंबल बना हुआ मिल जाता है आपको। यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता है, MID में पहले आता था, अब नहीं आता। और ये कुछ इसका क्रोम गार्निश में ग्लॉसी लुक में कुछ इस तरीके से मिल जाता है यहाँ पर आपको, यहाँ से लेके पूरा ग्लॉसी लुक मिलता है आपको यहाँ पर। और यहाँ से बात करें तो इसका न्यू AC इवेंट में मतलब जो ऊपर चेंजेस किया गया है, ये कॉपर कलर आया है, थोड़ा लाइट से नहीं दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा शायद, ये कॉपर कलर आ गया है इसमें। ये पूरा मतलब न्यू एडिशन है ना, तो मतलब एडिशन चेंज है, सिर्फ फेसलिफ्ट वगैरह कुछ नहीं, मैंने आपको बता रखा है पहले से। और इसमें हाई एडजस्टेबल सीट का था, यहाँ पर पीछे हाई एडजस्टेबल सीट का है, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एडजस्टेबल का पीछे एडजस्ट करने का है, और यहाँ से नीचे से वगैरह करने का है। और यहाँ पर आपको बोनट खोलने का मिल जाता है आपको। और हम बात करते हैं इसकी RPM के मीटर के बारे में, तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा RPM मीटर के बारे में, ये बिलिंग कर रही है क्योंकि इसके अंदर बैटरी नहीं है। अब उसको टेल हाइट करने का आ गया, इसके एडजस्ट करने का आ गया इसके अंदर, पहले नहीं आता था। और RPM की बात करें तो इसमें 1000+ RPM की मार्किंग दी गई है। लॉक अनलॉक करने का बटन मिल जाता है, तो गाड़ी आपकी लॉक अनलॉक हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लॉक हो गई, ये अनलॉक हो गई गाड़ी आपकी। यहाँ पर आपको मैनुअली स्पीड AC इवेंट का मिल जाते हैं, AC के मिल जाते हैं। मैं एक बार आपको इसकी AC मैंने दिखाता हूँ, उसकी थोड़ी नॉइज़ हो रही होगी, उस पर थोड़ा ध्यान मत देना, थोड़ा ब्लिंक कर रही है लाइट, उसकी कोई मत देना ध्यान। और बात करते हैं इसके, लाइट बंद कर लेते हैं लाइट, इसकी पार्किंग लाइट ऑन रहती है, आपको दिख रहा होगा सामने से, इसकी पार्किंग लाइट आपको उसकी ऑन रहती हैं। और यहाँ से बात करते हैं तो इसमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आ चुका है। मैं आपको वायरलेस चार्जर दिखाता हूँ, मोबाइल दिखाने के लिए वायरलेस चार्जिंग का दिखाता हूँ आपको। तो वायरलेस चार्जिंग का इसमें ऑप्शन मिल जाता है पूरा। यहाँ पर आपको कुछ USB वगैरह पेन ड्राइव कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि एप्पल ऑटो कार प्ले दे रखा है, तो उसमें वायरलेस की लगानी पड़ेगी। और यहाँ पर आपको स्टार्ट करने का बटन मिल जाता है, तो ऊपर से कुछ सिल्वर करके मैं यहाँ पर आपको बताया, मैंने वायरलेस चार्जर मिला था इससे पहले वाले मॉडल में, स्पेस तो यहाँ पर आता था पर वायरलेस चार्जर का नहीं आता था। यहाँ पर ही आपको वायरलेस चार्जर दे दिया गया है, और नीचे स्पेस दे दी गई है आपको, यहाँ पर चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ये रहा कितने वोल्ट का चार्जर है, पर यहाँ पर आपको चार्जिंग का दे दिया गया है। और बात करते हैं गियर नॉब की, तो यहाँ पर आपको 5 मिनट स्पीड के साथ गाड़ी मिल जाती है। और यहाँ पर आपको है, यहाँ पे आपको पूरा ये ऐसे मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाते हैं आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, कप होल्डर, तो ये पूरा ग्लव बॉक्स ही मिल जाता है आपको, आर्मरेस्ट मिल जाता है पूरा, स्लाइड भी नहीं मिलता, स्लाइड वगैरह नहीं मिलता आपको, नॉर्मली मिल जाता है। और ये हैंड ब्रेक मिल जाता है आपको इस तरीके से, ये हैंड ब्रेक मिल जाता है कुछ तरीके से। यहाँ पे यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है कुछ, यहाँ पर भी स्पेस मिल जाता है, और नीचे से आपको स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। मतलब मारुति में और ये बहुत मतलब इसमें एक बहुत अच्छा, यहाँ पर ना रेनॉल्ट में ना मतलब ये दो स्पेस फ्री मिल जाते हैं आपको, वैसे तो किसी यूज़ के नहीं होते हर गाड़ी में ये, मतलब चाहे तो हर गाड़ी वाले दे सकते हैं, पर ये स्पेस अच्छे देते हैं मारुति रेनॉल्ट वाले, हर गाड़ी में अपना स्पेस दे देते हैं। नीचे भी स्पेस अच्छा खासा होता है, आगे तक लंबा होता है, और ये ऊपर भी स्पेस होता है, ये दोनों स्पेस के लिए होते हैं। वैसे हर गाड़ी में यहाँ पर एयरबैग आते हैं, एयरबैग तो इसमें भी दो आगे मिल जाते हैं, दो पीछे मिल जाते हैं, दो पैसेंजर के, दो उसके।
तो यहाँ पे चार एयरबैग मिल जाते हैं, एंटी लॉकिंग स्पार्किंग मिल जाती है आपको, ब्रेकिंग मिल जाती है आपको। और बात करते हैं तो उसके यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एयरबैग मिल जाती है, एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ शीशा मिल जाता है। और यहाँ बात करते हैं तो उसका माइक मिल जाता है, यहाँ आपको ये मिल जाते हैं, यहाँ ऑटोमेटिक एडजस्ट मिल जाता है, इससे ऊपर वाले मॉडल में आपको सब कुछ मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके इंजन से, बात करते हैं तो बाहर चलते हैं, देखते हैं इसके इंजन आपको कैसे कैसे मिल जाता है, कैसे कैसे आपको इंजन नहीं मिलता है। चलिए बाहर चलते हैं, देखते हैं इसके इंजन आपको कैसे। इंजन हमने आपको इसका ऑन कर लिया है, या फिर इसका वो बोनट आपको ओपन कर लिया है, इसका बोनट ओपन करके बाहर चलते हैं, अंदर से देखते हैं अंदर आपको क्या क्या ओपन हो चुका है इसका बोनट। यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ तरीके से ये मिल जाता है आपको, इसका इंजन मिल जाता है, 1 लीटर का इंजन मिल जाता है, 3 सिलेंडर का इंजन मिल जाता है आपको। इसकी पावर है 171 और 796 है इसकी टॉर्क, मैक्स टॉर्क है इसकी। और माइलेज इसका वैसे तो कंपनी 18 का क्लेम करती है, सो सिटी में 14 का क्लेम करती है। और यह मिल जाता है आपको कुछ नया फ्यूज वाटर मिल जाता है, वॉशर मिल जाता है आपको, जो यहाँ नहीं मिलता, हर गाड़ी में यहाँ मिलता है, वो यहाँ मिलता है इसका। और ये था कुछ इसका इंजन, अब एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। तो यही था 3 सिलेंडर इंजन के साथ और एग्जैक्ट मॉडल। तो इसका न्यू फीचर आपको मैं सब बता दिए, और जो भी आपको नहीं पता वो कमेंट आपको एक बार चेक कर लीजिएगा, कमेंट में सब कुछ आपको मिल जाएगा। और आई बटन पे इसका नेक्स्ट, इसका मॉडल दूसरा मॉडल भी आपको मिल जाएगा, तो नीचे आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।